कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-3-3 मोदी जी ने भारतीय रेलगाड़ी को बैलगाड़ी बना दिया है, जिसका हाल आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये कोई आम ट्रेन का जनरल डब्बा नहीं है, ये देश की सबसे लोकप्रिय लग्जूरियस ट्रेन जैसा कि दावा किया जाता है, उस वंदे भारत का हाल है। दावा तो इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का किया जाता है, पर हकीकत आपके सामने है। वंदे भारत में लोग गाजर मूली की तरह कोच कोच कर सफर करने को मजबूर है। ना सामान रखने की जगह है, ना बैठने की जगह है, ना सही से खड़े होने की भी जगह है। सच में मोदी जी, आपने 10 सालों में देश की रेल व्यवस्था का कबाड़ा करके रख दिया। ख्वाब तो आपने हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वालों को बैठने का दिखाया था, मगर हालात ये हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को आपने ट्रेन में भी बैठने लायक नहीं छोड़ा है। ऐसा ही हाल इस वक्त देश में हर ट्रेन, हर रेलगाड़ी का हो चुका है। एसी कोच की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, नॉन एसी स्लीपर जनरल डब्बे कम होते जा रहे हैं, जिससे आम और गरीब लोगों का रेल में सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। किराया महंगा हो रहा है, कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है, टिकट मिल भी गई तो अपने सीट तक पहुंचना एक अलग संघर्ष। चलिए आप सीट तक पहुंच भी गए तो आपको बिना टिकट वालों के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। शिकायत कर भी देंगे तो कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुरानी ट्रेनों का मेंटेनेंस मरम्मत हो नहीं रहा, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। नई ट्रेनें लॉन्च होते ही गाय भैंस से टकरा रही हैं, टूट रही हैं। कहीं ट्रेन में पानी टपक रहा है तो कहीं लोग ट्रेन को धक्का मारते नजर आ रहे हैं, और फिर भी देश को बुलेट ट्रेन का झूठा ख्वाब दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे की स्थिति जिस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में हुई, उनकी इतनी नाकामी और फजीहत के बाद भी उन्हें फिर से रेल मंत्रालय सौंप दिया गया है। यानी साफ है कि आपको इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। 5 सालों में तो इन्होंने रेलवे की ये दुर्दशा कर दी, अब आगे भारतीय रेलवे का हाल इससे भी ज्यादा भयावह होने वाला है।